तुलनात्मक आय विवरण पत्र का प्रारूप। तुलनात्मक आय विवरण पत्रक को 5 अलग अलग कॉलम में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहले कॉलम में विवरण लिखा जाता है और आगे 4 कॉलम में गत वर्ष, चालू वर्ष, वास्तविक परिवर्तन और प्रतिशत परिवर्तन का उल्लेख किया जाता है। विवरण के अंतर्गत कैलकुलेशन इस प्रकार की जाती है, शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत बराबर सकल लाभ माइनस संचालन व्यय, जिसके अंतर्गत बिक्री, वितरण, ऑफिस और अन्य व्ययों को शामिल किया जाएगा, बराबर संचालन व्यय प्लस गैर संचालन आय माइनस गैर संचालन व्यय बराबर कर के पूर्व लाभ माइनस कर बराबर शुद्ध लाभ। प्रतिशत परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्मूला होगा, प्रतिशत परिवर्तन बराबर वास्तविक परिवर्तन गुणित 100 बटे गत वर्ष। आइए देखते हैं कि इस विवरण में जो मदें हमने देखी इसके प्रारूप के अंतर्गत वो क्या हैं, किस तरह से हम कैलकुलेशन करके उनका लेखा करते हैं। सबसे पहले हमने देखा विक्रय यानी कि शुद्ध विक्रय। तो शुद्ध विक्रय में कौन सा विक्रय लिखा जाएगा, यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि विक्रय में से अगर क्वेश्चन में विक्रय वापसी दिया गया है तो उसको हमको घटा देना है, वो शुद्ध विक्रय हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात और हमको ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रकार का कोई टैक्स या कर दिया गया है और अभी तक वो इस विक्रय में से माइनस नहीं हुआ है तो हमको ज़रूर माइनस करने के बाद ही शुद्ध विक्रय का लेखा करना है। दूसरी बात हमने देखा बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर कैलकुलेट करके दे दिया गया है प्रश्न में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिया गया है तो हमको कैलकुलेशन पहले कर लेना है, यानी कि हमको सबसे पहले तो विक्रय में से सकल लाभ को घटा देना है, सेल्स में से हमको ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देना है और हमको ये देखना है कि इसके अलावा अगर कुछ अन्य जानकारी दी गई है तो उसके आधार पर भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, यानी कि हम एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, प्रारंभिक स्कंध प्लस शुद्ध क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस आंतरिक स्कंध, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये दो दशाएँ बनती हैं। तीसरी मद हमने देखी सकल लाभ या सकल आय की। तो सकल लाभ ज्ञात करने के लिए पहले भी हमने देखा कि जो शुद्ध विक्रय होता है उसमें से जब हम बेचे गए माल की लागत को घटा देते हैं तो हम सकल लाभ को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि यहाँ हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक मद हमने देखी संचालन व्यय यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे इसके अंतर्गत, तो जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड होते हैं, हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया है, उसके साथ हमने फाइनल अकाउंट भी बनाया है, तो वहाँ हमने बहुत विस्तृत बहुत विस्तार से हमने देखा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन कौन सी है। फिलहाल यहाँ पर हम देख लें कि कुछ ऐसे एक्सपेंस जिन्हें हम इनडायरेक्ट भी कहते हैं उन सारे एक्सपेंसेस को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। जैसे आपके सामने आएंगे कार्यालय से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस जिनमें हम दिया गया है बट्टा, इंश्योरेंस प्रीमियम, सेल्स पे कुछ एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी कि वितरण व्यय होते हैं और साथ साथ आप अप्राप्य ऋण आपको दिखाई देगा, डूबत ऋण जिसे हम पहले भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं, डूबत ऋण संचय के बारे में हमने पढ़ा वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जिन एक्सपेंसेस को यहाँ पर यूज़ किया था वो सारे एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एक जो यहाँ पर हमको मत दिख रही है वो है गैर संचालन आय, यानी कि ऐसी आय जो किसी भी व्यापारिक संस्थान या उपक्रम जिसके लिए हम ये एनालिसिस कर रहे हैं उसकी मुख्य आय नहीं होनी चाहिए, यानी ऑपरेटिंग जो इनकम है वो नहीं होनी चाहिए बल्कि अदर सोर्सेज की जो इनकम है उसको ये दर्शाती है, जैसे कि कई बार स्थायी संपत्तियों को बेचने से कुछ लाभ प्राप्त हो जाता है या बहुत सारी दीर्घकालीन प्रतिभूतियों पर कई बार हमको ब्याज प्राप्त होता है, बहुत सारी स्थायी संपत्तियों पर कुछ छोटे मोटे कई बार कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, तो इस तरह से जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगली मद की हम बात करें तो वो है गैर संचालन व्यय,
यानी कि ऐसी व्यय, ऐसी हानियां जिनका ऑपरेटिंग जो वर्क है, जो संचालन जो कार्य है, उनसे कोई रिलेशन नहीं रहता, बल्कि ये अदर किसी कारण से हो जाती है, जैसे स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हानि होती है, स्थायी संपत्तियों से रिलेटेड कोई भी हानि है, या फिर हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं ख्याति, पेटेंट या प्रारंभिक जो व्यय होते हैं उनसे संबंधित कोई हानि या कमीशन, साथ ही हम इसमें शामिल कर सकते हैं अंश या ऋण पत्रों की जो कटौती होती है, डिस्काउंट होता है, उसको हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी मदें ऐसी होती है जिनको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि गैर संचालन व्यय के अंतर्गत शामिल करके लिखेंगे। अगला जो मद है वो है कर के पूर्व का लाभ। कर के पूर्व के लाभ की हम बात करें, बहुत सीधे सरल शब्दों में हम इसको समझें, तो वास्तव में परिचालन शुद्ध जो आय होती है यानी ऑपरेटिंग नेट इनकम जो होती है, उसमें हम अन्य आय यानी कि अदर आय, जिसके बारे में हमने जाना, जिसे हम नॉन ऑपरेटिंग कह रहे हैं, दोनों को हम प्लस कर दें, जोड़ दें, और उसमें से हम माइनस कर दें जो ब्याज है, तो जो हमारे पास बैलेंस बच जाता है उसको हम सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कर के पूर्व का लाभ है। तो हमने अभी तक देखा कि बहुत सारे जो मदे फॉर्मेट के अंदर हम शामिल करेंगे उनमें उनके जो अलग अलग जो मदे हैं वो होती क्या हैं। अगर डायरेक्ट उसका क्वेश्चन अगर दिया गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन तो हम कैसे उसको प्रारूप में रखें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। निम्न सूचनाओं से तुलनात्मक आय का विवरण बनाइए। विवरण: विक्रय 2014-15 120,000, 2015-16 150,000। बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2014-15 70,000, 2015-16 75,000। अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2014-15 20,000, 2015-16 25,000, बैलेंस 30,000 फॉर 2014-15, 50,000 फॉर 2015-16, माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स 2014-15 24,000, 2015-16 10,000, नेट प्रॉफिट 2014-16 2014-15 24,000, 2015-16 40,000। इस क्वेश्चन के आधार पर जब हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी कि तुलनात्मक आय विवरण बनाएंगे तो सबसे पहले जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा, सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे। फिलहाल यहां पर हम 5 कॉलम का एक फॉर्मेट बना लेंगे। 2014-15 में जो सेल है वो है 1,20,000, 2015-16 में जो सेल है वो है 1,50,000। एब्सोल्यूट चेंज की अगर हम बात करें तो 2014-15 में जो सेल 1,20,000 थी वो 15-16 में 1,50,000 हो गई, यानी कि 30,000 का चेंज आया है। और अब अगर हम इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करना चाहें तो जैसे कि हमने देखा कि एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल के बेस पे हम यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो 30,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1,20,000 यानी कि 25% चेंज हुआ है। इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम क्वेश्चन में देख रहे हैं 2014-15 के लिए है 70,000, 2015-16 के लिए है 75,000, और दोनों को अगर माइनस करके हम एब्सोल्यूट चेंज निकाले तो 5,000 का हमको एब्सोल्यूट चेंज दिख रहा है। अब हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहां डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये हो जाएगा 5000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 70,000, यानी कि 50% का जो है यहां पर परसेंटेज चेंजेस हुआ है। अब अगर हम दोनों को माइनस कर दें, ग्रॉस इनकम निकाल लें जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा था, तो 1,20,000 में हम 70,000 माइनस कर देंगे, 50,000 हमारा ग्रॉस इनकम आ जाएगा 2014-15 के लिए। वैसे ही 1,50,000 में 75,000 हम माइनस कर दें तो 75,000 हमारा ग्रॉस इनकम आ जाएगा 2015-16 में। और एब्सोल्यूट चेंज में भी अगर हम इसी तरह से 30,000 में 5,000 माइनस कर दें तो 25,000 हमारा ग्रॉस इनकम आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज का।
अब क्योंकि यहाँ पर भी हमको परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट चेंज जो हमारी अमाउंट आया है 25,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 50,000 यानी कि प्रीवियस ईयर का जो ग्रॉस इनकम था उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 50% परसेंटेज चेंज इसमें आया है। देन हम अपने प्रारूप के बेस पे देखेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हमको माइनस करना है, तो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इनको हम इसमें से माइनस कर दें, तो 2014-15 के लिए 50,000 माइनस 20,000, 2015-16 के लिए 75,000 माइनस 25,000, और एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो 2014-15 में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 था वो 2015-16 में 25,000 हो गया, और 5,000 एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है, जिसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20,000 यानी कि 25% हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो हमारा आंसर आता है इसको माइनस करने के बाद वो कहलाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 50,000 माइनस 20,000 हम करेंगे 30,000 मिलेगा, 75,000 माइनस 25,000 करेंगे 50,000 मिलेगा, 25,000 माइनस 5,000 करेंगे 20,000 मिलेगा, और अगर हम इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करें तो 20,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी कि 67% चेंज आ जाएगा। उसके बाद इस अमाउंट में हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि 2014-15 के लिए है 6,000 और 2015-16 के लिए है 10,000। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें दोनों को माइनस करके तो वो आता है 4,000, और इसका परसेंटेज चेंज अगर हम देखें तो 4,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 6,000 यानी 67% आता है। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 6,000 24,000 फॉर 2014-15, 50,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 40,000 फॉर 2015-16, 20,000 माइनस 4,000 16,000 एब्सोल्यूट चेंज के लिए, और ये जो हमारा बैलेंस आएगा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा, और अगर हम इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना चाहें तो एब्सोल्यूट चेंज के बेस पे करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज है 16,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 24,000 यानी कि प्रीवियस ईयर का जो नेट प्रॉफिट है उसके बेस पे, तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 67%। निम्न सूचनाओं से तुलनात्मक आय विवरण पत्रक बनाइए। विवरण के अंतर्गत दिया गया है विक्रय यानी कि सेल 2016-17 के लिए 2,40,000, 2017-18 के लिए 3,00,000, बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2016-17 के लिए 1,40,000, 2017-18 के लिए 1,50,000, अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2016-17 के लिए 40,000, 2017-18 के लिए 50,000, कर हेतु प्रावधान प्रोविजन फॉर टैक्स 2016-17 के लिए 12,000, 2017-18 के लिए 20,000। इसके लिए जब हम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी तुलनात्मक आय विवरण पत्र बनाएंगे तो जैसे कि हमने इसके प्रारूप में देखा, सबसे पहले हम सेल यहां पर लिखेंगे, और सेल है 2016-17 के लिए 2,40,000, 2017-18 के लिए 3,00,000, एब्सोल्यूट चेंज हम निकाले तो दोनों को माइनस करके 60,000 मिलता है, और परसेंटेज चेंज हम निकाले तो 60,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2,40,000, क्योंकि हमने देखा कि एब्सोल्यूट चेंज के लिए हम एब्सोल्यूट चेंज के अमाउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो 60,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2,40,000 यानी 25% हमको चेंज मिलेगा। इसमें हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम देख रहे हैं 2016-17 के लिए है 1,40,000, 2017-18 के लिए है 1,50,000, और एब्सोल्यूट चेंज अगर हम निकाले तो वो हो जाएगा 10,000। परसेंटेज निकालने के लिए हम 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,40,000 करेंगे, और 7% हमको यहाँ पर परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस इनकम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2016-17 के लिए 2,40,000 माइनस 1,40,000 यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1,00,000 फॉर 2016-17। ठीक इसी तरह 2017-18 के लिए 3,00,000 माइनस 1,50,000
ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000। और अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट इनकम और अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट का एब्सोल्यूट चेंज निकालें तो ये हो जाएगा 1,00,000 माइनस 1,50,000 यानी कि 50,000। और परसेंटेज इसका निकाल लें 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,00,000 तो ये हो जाएगा 50%। इसमें से हम लेस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर ईयर 2016-17 40,000 दिया गया है, फॉर 2017-18 50,000, तो एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा 10,000। और परसेंटेज चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40,000 यानी कि 25% हो जाएगा। ये जब हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2016-17 के लिए 1,00,000 माइनस 40,000 60,000, 2017-18 के लिए 1,50,000 माइनस 50,000 1,00,000, एब्सोल्यूट चेंज के लिए 50,000 माइनस 10,000 40,000। और अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60,000 67%। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स है फॉर ईयर 2016 12,000, फॉर ईयर 2017-18 20,000, इसको भी हम माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट हमको मिल जाएगा यानी 60,000 माइनस 12,000 48,000, 1,00,000 माइनस 20,000 80,000, 40,000 माइनस 8,000 32,000। और अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें हम तो 32,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 48,000 ये 67% हो जाएगा। निम्न सूचनाओं से तुलनात्मक आय विवरण पत्रक बनाइए। विक्रय 2016 विक्रय 2016-17 के लिए 20,00,000, 2017-18 के लिए 30,00,000, ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन सेल फॉर 2016-17 एंड 30% ऑन सेल फॉर 2017-18, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 2016-17 एंड 40% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 2017-18, इनकम टैक्स आयकर 50% फॉर 50% फॉर 2016-17 एंड 50% फॉर 2017-18। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017-18 के लिए हम यहां पर एक 5 कॉलम का प्रारूप इसका फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पर्टिकुलर लिखेंगे, उसके बाद हम 2016-17 के अमाउंट लिखेंगे, फिर हम 2017-18 के अमाउंट लिखेंगे और फिर हम एब्सोल्यूट चेंज लिखेंगे और फिर परसेंटेज चेंज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेशन में सेल की एंट्री यहाँ पर करेंगे। हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सेल 2016-17 का है 20,00,000, 2017-18 का है 30,00,000 और एब्सोल्यूट चेंज है 20 माइनस 30 यानी 10,00,000। और परसेंटेज चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट, तो ये हो जाएगा 10,00,000 into 100 divided by 20,00,000 यानी कि 50%। इसमें हम अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 2016-17 के लिए है 12,00,000, 2017-18 के लिए है 21,00,000, और एब्सोल्यूट चेंज अगर हम निकालें 12,00,000 माइनस 21,00,000 तो ये 9,00,000 आता है, और परसेंटेज अगर हम निकालें तो 9,00,000 into 100 divided by 12,00,000 यानी कि 75% आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ये हमको कैलकुलेट हो जाएगा लेस करने के बाद यानी कि 20,00,000 माइनस 12,00,000 8,00,000 ग्रॉस प्रॉफिट, 30,00,000 माइनस 21,00,000 9,00,000 ग्रॉस प्रॉफिट, 10,00,000 माइनस 9,00,000 1,00,000 ग्रॉस प्रॉफिट। और वैसे ही हम परसेंटेज चेंज के लिए भी माइनस करके यानी 50 माइनस 75 12, और वैसे ही हम परसेंटेज चेंज में भी कैलकुलेशन कर लेंगे 1,00,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8,00,000 यानी 12.5%। इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया गया है 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर ली है 8,00,000, उसका 50% हो जाएगा 4,00,000 फॉर 2016-17 एंड 2017-18 के लिए 9,00,000 का 40%, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 40% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो 9,00,000 का 40% यानी कि 3,60,000 ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा 2017-18 के लिए। अब हम इसका एब्सोल्यूट चेंज निकाल लें तो 4,00,000 माइनस 3,60,000 यानी 40,000 इसका एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा, और परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4,00,000 यानी कि 10% इसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा।
ये जो बैलेंस हमको मिला है ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाने के बाद, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, यानी 8 लाख माइनस 4 लाख 4 लाख, 9 लाख माइनस 3 लाख 60,000, 5 लाख 40,000, 1 लाख माइनस 40,000, 1 लाख 40,000 एंड 12.5. एंड अगर हम इसका एब्सोल्यूट चेंज निकालें तो 1 लाख 40,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख, यानी 35%. अब क्योंकि टैक्स भी यहाँ पर दिया गया है तो हम टैक्स भी इसमें से माइनस कर देंगे. यहाँ दिया गया है कि 50% जो हमको पीबीटी मिला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका 50% टैक्स लगाना है. तो 4 लाख का 50% यानी 2016-17 के लिए 2 लाख और 5 लाख 40,000 का 50% यानी 2017-18 के लिए 2 लाख 70,000, ये हम माइनस कर देंगे. और अगर एब्सोल्यूट चेंज इसका हम निकालें तो 2 लाख माइनस 2 लाख 70,000 यानी 70,000 एब्सोल्यूट चेंज आएगा. और परसेंटेज अगर हम इसका निकालें तो 70,000 × 200 डिवाइडेड बाई 2 लाख यानी 35% आ जाएगा. और नेट प्रॉफिट यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करके, तो 4 लाख माइनस 2 लाख 2 लाख नेट प्रॉफिट, 5 लाख 40,000 माइनस 2 लाख 70,000 2 लाख 70,000 नेट प्रॉफिट, 1 लाख 40,000 माइनस 70,000 यानी 70,000 नेट प्रॉफिट. और एब्सोल्यूट चेंज के बेस पे हम परसेंटेज चेंज निकाल लें तो 70,000 × 200 डिवाइडेड बाई 2 लाख यानी कि 35% परसेंटेज चेंज. ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 40% है ऑन सेल, तो यहाँ हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं माइनस करके हमने देखा. लेकिन एक बार हम इसको सेल के बेस पे भी चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो 8 लाख आया है और वो सेल का 40% है 2016-17 के लिए. और बिल्कुल वैसे ही 30% ऑफ फॉर द 2017-18 दिया है. तो यहाँ पर हम चेक करके देख लें कि अगर हम 30 लाख में से 21 लाख माइनस करते हैं तो भी हमारा 9 लाख आता है, और या फिर हम 30 लाख का 30% कैलकुलेट कर लेते हैं तो भी 9 लाख है. निम्नलिखित जानकारी से नरसिम्हा कंपनी तुलनात्मक आय विवरण 2004-05 के लिए तैयार कीजिए. दिए गए विवरण के अंतर्गत सबसे पहले दिया गया है सकल लाभ ग्रॉस सेल वर्ष 2004 के 2004 7,25,000, 2005 8,15,000 माइनस सेल्स रिटर्न 25,000 फॉर 2004 15,000 फॉर 2005, नेट सेल 2004 7 लाख 2005 8 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2004 5,95,000 2005 6,15,000 टोटल 1,05,000 2004 एंड फॉर 2005 1,85,000 अदर एक्सपेंसेस 2004 23,000 2005 24,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2004 23,000 2005 24,000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2004 12,700 2005 12,500 टोटल एक्सपेंसेस 35,700 फॉर 2004 36,500 फॉर 2005 ऑपरेटिंग इनकम 2004 69,300 2005 1,48,500 other income 2004 1200 2005 8,050 non operating expenses 70,500 for 2004 1,56,550 for 2005 1,750 1,940 for 2005 other expenses selling and distribution expenses administrative expenses total expenses operating income other income non operating expenses net profit for 2004 68,750 for 2005 net profit 1,54,610. इस क्वेश्चन में हमको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है, जिसके लिए हम सबसे पहले 5 कॉलम वाला एक प्रारूप तैयार कर लेंगे. इस प्रारूप में, इस फॉर्मेट में हम सबसे पहले कॉलम में पर्टिकुलर लिखेंगे और उसके बाद 2004 के अमाउंट, फिर 2005 के अमाउंट,
और उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज यानी इंक्रीज और डिक्रीज के अमाउंट लिखेंगे, और लास्ट कॉलम में हम परसेंटेज लिखेंगे यानी कि कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस सेल दी गई है, तो जैसे कि हमने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी कि तुलनात्मक आय विवरण में देखा, यानी कि तुलनात्मक आय विवरण में देखा कि किस प्रकार सबसे पहले हम ग्रॉस सेल लिखते हैं और उसमें फिर किन किन मदों को हम माइनस करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ग्रॉस सेल 2004 के लिए है 7,25,000 और 2005 के लिए है 8,15,000। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें दोनों का डिफरेंस निकाल कर माइनस करके तो हमको 90,000 का यहाँ पर इंक्रीमेंट दिख रहा है, एब्सोल्यूट चेंज दिख रहा है। और अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7,25,000, क्योंकि हम जो गत वर्ष की प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट रहता है उसके बेस पे हम एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो इस बेस पे हमारा जो परसेंटेज है 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7,25,000 वो आ जाएगा 12.41%। इसमें से हम माइनस करेंगे रिटर्न यानी कि सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पर दिया गया है 2004 के लिए 25,000, 2005 के लिए 15,000। एब्सोल्यूट चेंज अगर इसका देखें हम तो 25 माइनस 15 यानी कि 10,000 एब्सोल्यूट चेंज है, और परसेंटेज अगर हम देखें तो 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25,000 यानी कि 40% चेंज है। उसके बाद हम नेट सेल निकाल लें, तो जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा कि सेल में से यानी ग्रॉस सेल जो है उसमें से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट सेल निकल जाएगी। तो 7,25,000 माइनस 25,000 यानी कि 2004 की जो नेट सेल है वो 7 लाख है। वैसे ही 2005 के लिए 8,15,000 माइनस 15,000 यानी कि 8 लाख जो है वो 2005 के लिए नेट सेल है। और अगर एब्सोल्यूट चेंज देखें तो 7 माइनस 8 लाख यानी ये हो जाएगा 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज। और अब इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लें तो 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7 लाख यानी कि 14.28% इसमें परसेंटेज चेंज होगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेट देखा था कि जो नेट सेल आता है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको हम माइनस कर लें तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2004 के लिए 5,95,000 और 2005 के लिए 6,15,000। दोनों को माइनस करके हम एब्सोल्यूट चेंज निकाल लें तो हम देख रहे हैं कि 20,000 का इंक्रीज हुआ है यहाँ पर अमाउंट, और इसके बेस पे जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5,95,000 यानी कि 3.36% इंक्रीज हुआ है। अब बैलेंस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे यानी कि फॉर 2004 7 लाख माइनस 5,95,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2004 के लिए 1,05,000, 2005 के लिए नेट सेल है 8 लाख माइनस 6,15,000 यानी 1,85,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा फॉर 2005। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम निकालें इस ग्रॉस प्रॉफिट का तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1,05,000 माइनस 1,85,000 यानी कि 80,000 का जो प्रॉफिट हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट वो इंक्रीज हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज है 80,000। और इसका हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,05,000 यानी कि 76.19% इसका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज चेंज होगा। उसके बाद जैसे कि हम अपने प्रारूप का जो हमारा है हमारा फॉर्मेट जो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो इसके बाद हम इसमें फिर लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अदर एक्सपेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में है, तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 2004 में 23,000 और 2005 में 24,000। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो ये 1,000 का हो रहा है, और परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 23,000 यानी कि 4.35% यहाँ पर परसेंटेज चेंज है। एक और अदर एक्सपेंसेस है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, 2004 के लिए 12,700, 2005 के लिए 12,500। दोनों को माइनस करके हम एब्सोल्यूट चेंज देखें तो ये आता है 200 ये, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है। और अगर इसका हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं तो 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12,700 यानी 1.57% चेंजेस है यहाँ पर। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारा हो जाता है यहाँ 23,000 प्लस
12,700 यानी कि 35,700 फॉर 2004, और 2005 के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं 24,000 प्लस 12,500 यानी 36,500। अब ये जो टोटल एक्सपेंस है इस पे हम एब्सोल्यूट चेंज करके देखें तो दोनों का डिफरेंस यानी माइनस करके हम देखें तो 800 जो है यहाँ पर हमको इंक्रीज दिखाई दे रहा है, और इस 800 के बेस पे हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लें तो 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 35,700 यानी कि 2.24% हमको यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीमेंट भी दिख रहा है। इसके बाद हमारे फॉर्मेट में आता है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम हम यहाँ पर लिखते हैं, ऑपरेटिंग इनकम है क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रही है 2004 के लिए 69,300 और 2005 के लिए 1,48,500। दोनों का डिफरेंस निकाल के हम एब्सोल्यूट चेंज देखें तो 39,300 माइनस 1,48,500 यानी कि 79,200 इसका एब्सोल्यूट चेंज है जो कि इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम को इंक्रीज करके दिखा रहा है, और इसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं 79,200 इन 200 डिवाइडेड बाय 69,300 तो यहाँ पर हमको इसका परसेंटेज चेंज मिल रहा है 114.29%। अदर इनकम हम देख लें, क्वेश्चन में दिया गया है अदर इनकम 2004 के लिए 1200 और 2005 के लिए 8,050 रुपीस। एब्सोल्यूट चेंज देखिए अगर हम अदर इनकम में तो यहाँ पर हमको 6,850 का इंक्रीमेंट इंक्रीज हुई दिख रही है अदर इनकम, और इसका अगर हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लें तो 6,850 इन 200 डिवाइडेड बाई 1200 तो ये 570.83% यहाँ पर इसका परसेंटेज चेंज हमको दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर इसका टोटल कर लें तो 69,300 प्लस 1200 70,500 हो जाएगा। देन 2005 के लिए 1,48,500 प्लस 8,050 तो 1,56,550 हो जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज का हम टोटल कर लें तो 79,200 प्लस 6,850 यानी कि 86,050 हो जाएगा, और इसका अगर हम परसेंटेज चेंज निकाल लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 86,050 जो है वो चेंजेस है इनटू 100 डिवाइडेड बाय 70,500 करेंगे तो हमको 122.05% का यहाँ पे परसेंटेज चेंज दिखाई देगा। अब क्योंकि हमको इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देना है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमको क्वेश्चन में दिख रहा है 2004 के लिए 1,750 तो 2005 के लिए 1,940 और दोनों का एब्सोल्यूट चेंज हम देखें तो 190 का इसमें इंक्रीज दिख रहा है। इसके बेस पे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 190 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1,750 तो ये हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा 10.86%। अब हम इसको माइनस करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा टोटल 70,500 माइनस 1,750 तो 2004 के लिए नेट प्रॉफिट हो जाएगा 68,750, 2005 के लिए नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1,54,610 और एब्सोल्यूट चेंज का जो नेट प्रॉफिट डिफरेंस आएगा वो आएगा 85,860 और इसके बेस पे अब हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 85,860 इन 200 डिवाइडेड बाय 68,750 यानी 124.88%।